यहां पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ, नाम क्या है तुम्हारा? अंकित, पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार, थैंक यू सर। कैसे हो? अच्छे सर, अच्छे। आप कितने समय से, कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं, आर ओ आर ओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर, और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है सर, मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर, 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150-150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर रख ली, और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है, और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और आपने आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर, मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जात से आते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। अच्छा, आप अच्छी तरह सुनो, देश में अब अच्छी तरह सुनो, देश में ओबीसी वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60% जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है जी, जी सर। दलित वर्ग 15% है, आदिवासी वर्ग 8% है, कितना हुआ सर? पूरा हो गया 73% सर। 73% दलित आदिवासी पिछड़े, ठीक है। अब मजे की बात सुनो, पाल जी सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो जी सर, और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है जी सर। ये सच्चाई है जी सर। मैं खड़े हैं, आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में, 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी दलित आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, 1 आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 हैं। तो आप लोग तो चलाते हो आप अपना, और आपका यहां कुछ नहीं है। आपको भड़काया जा रहा है, आपको अंधा किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा? देखा? एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73
73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता है कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है, अदानी जी की कौन सी जात है? ओबीसी अदानी, दलित अदानी, आदिवासी अदानी? आप देखो हिंदुस्तान के किसानों की लिस्ट निकालो, किसानों का ये कभी कर्ज माफ नहीं करते। और ये 10-15 उद्योगपतियों का इन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप पढ़ाई के लिए बैंक लोन जाके मांगो, हिंदुस्तान का ओबीसी, दलित, आदिवासी पढ़ाई के लिए बैंक लोन मांगे, जूता मार के बाहर कर देंगे आपको। और अंबानी अदानी लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन मांगते एक सेकंड में उनको दिया जाता है। तो इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द डाल दिया है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। यहां संगम की पवित्र धरती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। हाँ, फीस आपकी आपकी जिंदगी में, भैया मैं आपको बता देता हूं, बढ़ती जाएंगी। अच्छा, प्राइवेट, सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, शांत हो जाओ। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मालिकों में ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? एक नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में आदिवासी एक भी नहीं है। तो आप अपना टाइम कर रहे हो, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, 24 घंटे आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। जग जाओ, खड़े हो जाओ। मैं सुनना चाहता हूं, जोर से बोलो, जगेंगे। आप संगठित हो गए, एक साथ खड़े हो गए, ये जो युवा हैं आप खड़े हो गए, आपके साथ। और ये पहले इन्होंने पता क्या किया, ये छात्र संघ का जो चुनाव होते हैं आपकी शक्ति लेने के लिए, चोरी करने के लिए, ये सच्चाई है। मैं यहीं इसलिए आया हूं आपको न्याय दिलवाने। ये जो आपके यूपीएससी का ये पेपर लीक है, इसको मैं उठाऊंगा। आप डरने की कोई बात नहीं है, मगर आप अपना हक मांगो, अपना हक लो। ये देश आपका है, 73% का है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव भी इसीलिए बंद कराया गया सर। एक भी वाइस चांसलर कभी तेल तो ओबीसीओ का नहीं सुनते हैं, वो हमेशा बड़ी जातियों का सुनते हैं सर। कोई काम नहीं होता सर, पढ़ाई टाइम से नहीं होती, विरोध करने पे डांट के निकाल दिया जाता है ऑफिस से सर, बोला जाता है कि सर, हम सर। तो मैंने सुनिए, पता है आपका हथियार क्या है? हथियार का नाम जानते हो? जाति जनगणना। ये आपका हथियार है। आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपकी आबादी कितनी, दूसरे नंबर पे आपको पता लगाना है इस देश के धन में आपकी कितनी भागीदारी। आप सुबह उठो और अपने आप से सवाल पूछो, 73% के हाथ में इस देश का कितना धन है, ये सवाल पूछो आप।
बोलो बोलो। सिर्फ 2% है सबका मिला करके, सभी दलित ओबीसियों का सिर्फ 2% धनी सभी के पास है, बाकी सारे इन अडानी अंबानी इन पूंजीपतियों के पास पड़ा हुआ है, जो सब पड़ा हुआ है इनके पास सर। और आपको ये आस्ते आस्ते भूखा मार देंगे, आपको भूखा मार देंगे, तो आपको अपना हक लेना है। इसीलिए सबसे बड़ा कदम, और आप अपने सब दोस्तों को बताओ, जाति जनगणना देश का एक्सरे है, इससे सारा का सारा पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। डरो मत, पीछे मत हटो, आप अपना हक ले। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रदर।